वेलकम टू imagination.com। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे भी क्लिक कीजिएगा। वेलकम टू imagination.com। आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स के डिमांड पे कटोरी ब्लाउज सिखा रही हूँ आपको। कटोरी ब्लाउज के लिए आपको रिक्वायर्ड मेजरमेंट चाहिए जितनी भी फुल लेंथ है, चेस्ट या बस्ट जो भी आप बोलते हो, वेस्ट, कमर, फ्रंट नेक, बैक नेक, ये आज मैं सिखाऊंगी सभी साइज के अकॉर्डिंग कितना होता है। ये सभी साइज बना सकते हो आप, 28 से लेकर 42, 44 और उससे ज़्यादा एक्सल भी बना सकते हो सेम मेजरमेंट्स के साथ। मैं आपको सभी मेजरमेंट्स आज आपको सिखाऊंगी सभी चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं इस अकॉर्डिंग बनाऊंगी, तो अभी आपको मैं बता देती हूँ कि मेनली इसके लिए क्या चाहिए आपको। जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 28 से 30 अगर है तो उसके लिए आर्म होल आपको 6 रखना है और तीरा रखना है 13। वाली टेबल आपकी यूज़ होगी जब आप गला 6 इंच या 7 इंच तक लंबा बनाओगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाओगे। या फिर अगर आप डीप बना भी रहे हो तो स्लीवलेस बना रहे हो, तब भी आपका ये वाला मेजरमेंट यूज़ होगा। स्लीवलेस में, पहला स्लीवलेस में किसी भी साइज़ का स्लीवलेस आप ये वाला मेजरमेंट यूज़ करोगे, और अगर गला 6 या 7 इंच है तो उस केस में आप ये वाला मेजरमेंट यूज़ करोगे। अगर आपकी बात आती है कि आप गला डीप बना रहे हो, जैसे पीछे का गला हम बनाते हैं 8, 9, 10, 11, 12, तो उस केस में आप ये वाला मेजरमेंट यूज़ करोगे तीरे का, क्रॉस बैक में बोलती हूँ तीरे को, ठीक है। तो जो तीरा है उस केस में, जैसे 28 के लिए यहाँ पर 13 इंच ले रहे हो तो उस केस में 1 इंच कम हो जाता है, 12 इंच हो जाता है। 32 से 36 अगर चेस्ट है तो यहाँ पर 14 इंच लेते हो, यहाँ पर 12 इंच लेना चाहिए अगर डीप बना रहे हो तो। ऐसे ही ये आप नोट डाउन कर लो कहीं, 40 इंच तक है, 38 से 40 तक है चेस्ट, तो 14 इंच लेगे और ये 7 इंच लोगे। ये है आर्म होल, यहाँ पर भी आर्म होल 7 इंच और तीरा हो जाएगा 13 इंच। 42 उससे बड़ी एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल जो भी साइज़ है उसमें आप 7.5 और तीरा लोगे 14.5 इंच, यहाँ पे भी 7.5, अगर गला डीप है तो तीरा लोगे 13 इंच। अब हम समझते हैं अगला स्टेप। इसके लिए आपको पहले हमेशा न्यूज़पेपर में ड्राफ्टिंग कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये बेटर रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर मैंने लिया तो यहाँ पे इस साइड पे गला आएगा, नेक आएगा, तो इस साइड से ये वाला पार्ट फोल्ड होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया फोल्ड। पहले हम बैक पैनल कट कर लेंगे, ड्राफ्टिंग हम पूरी इसी पे कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट पैनल कट कर लेंगे। तो समझते हैं, सबसे पहले नीचे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन खींच दीजिए, ये मार्जिन होगा 1.5 इंच का जो जाएगा सिलाई में। उसके बाद आपको बेल्ट के लिए समझना है, ये जो गला होता है नेक लाइन के साइड वाले जो बेल्ट होती है, ये यहाँ से कटोरी ब्लाउज के केस में ये अलग होती है। तो देखें यहाँ से ये 3.5 इंच 3.5 इंच, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3.5 इंच इस साइड से, ये गले की साइड वाली है। ये है आर्म होल की साइड जहाँ पर हम आर्म होल काटेंगे। आर्म होल की साइड पर यहाँ पर हम लेते हैं 2.5 इंच, 2.5 इंच। अब आप पूछोगे क्या ये सभी साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, सबसे पहले हम मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे 3.5 इंच, यहाँ पे 2.5 इंच, और बीच में ये थोड़ा यू कर्व होती है तो यहाँ पर हम सिर्फ 1.5 इंच ही ले लेते हैं सेंटर की साइड पर, इस तरह से 1.5 इंच ले लिया। यहाँ पे बीच में मैंने 1.5 इंच पे ले लिया। इसको हम, ये जो बेल्ट होती है इसको सर्कुलर वे में कटोरी के लिए शेप दे देते हैं इस तरह से, ये आ गई शेप। अब अलग अलग साइज़ के लिए ये कितनी होनी चाहिए, ये आपका नॉर्मली चलती है अगर आप बना रहे हो 32 से 40 इंच तक के लिए। अगर बस्ट बड़ी हो गई है 41, 42, 44, 45, इतनी ज़्यादा एक्सल तक पहुंच रही है चेस्ट, तो आप इसमें ये 4 इंच लेंगे यहाँ से, जो ये साइड वाली गले की साइड वाली बेल्ट का नाप होगा ये बढ़ा देंगे। अगर आप छोटे साइज़ का बना रहे हो, जो पतले होते हैं लोग, जैसे कि 26 भी होते हैं, 28, 30 तक बना रहे हैं, तो उस केस में आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हो, यानी कि 3 इंच कर सकते हो बेल्ट को। तो ये आपका मेजरमेंट है अलग अलग चेस्ट के अनुसार। यहाँ पर लिख देती हूँ बेल्ट के लिए, जो ये नेक की साइड पर बेल्ट आएगी ऐसे आती है, ऐसे यहाँ पर मैंने बताया 3.5 इंच। अगर साइज़ बड़ा हो रहा है तो प्लस 0.5 इंच कर लीजिए। अगर साइज़ 30 तक जा रहा है, 28, 24 या 30 तक जा रहा है, तो माइनस कर दीजिए यहाँ पर 0.5 इंच। इस तरह से आपका बेल्ट का मेजरमेंट यहाँ पे आएगा। यहाँ के लिए 2.5 इंच ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2.5 इंच। इतना समझ में आ गया अलग अलग साइज के हिसाब से। बाद नीचे से बॉटम नाप लिया हमने, लेकिन इसके लेंथ कितनी रखनी है ये देखिएगा कि यहाँ से 1.5 इंच नापा था, यहाँ से टोटल लेंथ जितनी भी है जैसे कि 14 इंच मुझे चाहिए, लेकिन मुझे पता है जब मैं काटूंगी तो ये सिलाई में जाएगी बेल्ट, इसलिए मैं 15 इंच ले लेती हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, सिलाई में भी जाएगी। ये आ जाएगा हमारा 15 इंच, जितनी भी लेंथ हमें चाहिए इस पॉइंट से, ये तो हमने एक्स्ट्रा कर ही दिया मार्जिन के लिए, यहाँ से हम नापेंगे जितनी भी लेंथ चाहिए फुल, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। ये नाप लिया, 15 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, उसके ऊपर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था जो कि गला अगर हम सिलते हैं तो उसके पीछे ऐसे दबाव में जाएगा, सिलाई में जाएगा, तो ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा और, यानी कि जितना भी लेंथ है उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा आप लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसका तीरा कितना होना चाहिए यहाँ से, तो मैंने बताया था कि मैं आज बना रही हूँ बैक का गला, देखिए 12 इंच डीप है, अगर ये मैं 7 इंच तक बनाती तो ये वाला मेजरमेंट यूज़ होता, लेकिन मैं डीप बना रही हूँ और स्लीव्स भी लगाऊंगी। अगर स्लीवलेस बनाओगे तो यहाँ से मेजरमेंट लीजिएगा, मैं स्लीव्स भी लगाऊंगी आज, तो मेरे को मेजरमेंट लेना है 34 के लिए, तो ये 6.5 इंच होनी चाहिए आर्म होल और 12 इंच होना चाहिए तीरा। ये जो नेक लाइन है यहाँ से हम 12 इंच का आधा कितना होता है 6 इंच, तो यहाँ से मैंने तीरा ले लिया 6 इंच। आर्म होल लिया मैंने बिल्कुल ऊपर से, क्योंकि ये मेजरमेंट मेरे इसके साथ है, मार्जिन के साथ है, तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे आर्म होल ले लिया इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, ये 6.5 इंच पे आर्म होल है। गले की भी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, यहाँ से मुझे गले की चौड़ाई अगर 6 इंच चाहिए तो 6 का आधा कितना होता है 3 इंच, तो यहाँ से 3 इंच। गले की लेंथ देख लीजिए, आगे वाले गले के लिए 7 इंच है, पीछे वाले गले के लिए 12, तो गले की लेंथ के लिए ऊपर सिलाई में भी जाएगा, तो यहाँ से हम मेज़र करते हैं मार्जिन छोड़ के 7 इंच, 7 इंच इस तरह से, इसको हम मेज़र कर लेते हैं। और यहाँ पर गले की शेप दे देते हैं, पहले राउंड शेप ही दीजिएगा क्योंकि हमें कटोरी बनाने के लिए ड्राफ्ट बनाना है। ये तो आपका मेज़रमेंट हो गया बैक के लिए। अगर इसके बाद फ्रंट काटेंगे तो नीचे से 1.5 इंच भी नापिएगा ऐसे, और आपको अंदर को शेप देनी होगी 1/2 इंच 1/2 इंच इस तरह से, और ये फ्रंट पैनल के लिए शेप दे देंगे आर्म होल के लिए इस तरह से, इसको ऐसे यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिएगा तो ये फ्रंट पैनल की शेप आ जाएगी। अब हम नापते हैं कटोरी के लिए, सेंटर डार्ट सबसे पहले नाप लीजिए। सेंटर डार्ट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, यही वाला यूज़ होता है, इसमें सिर्फ एक ही डार्ट लगती है सेंटर वाली। सेंटर डार्ट का फॉर्मूला क्या था, जितनी भी चेस्ट है ये देखिएगा, चेस्ट को डिवाइड करना है 12 से प्लस 1 इंच, जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है सभी के अकॉर्डिंग ये आपका लागू हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 इंच। अगर मैं 34 के लिए बना रही हूँ, 34 को डिवाइड करूँगी 12 से तो आया 2.8, प्लस 1 इंच आया 3.83, यानी कि मैं इसको 4.25 तक ले सकती हूँ, 3.5 यहाँ होता है, 4 इधर, इसके बीच में ये 4.25, तो यहाँ तक मेरे को यहाँ से चाहिए। ये जो नेक लाइन है गला, उसकी साइड से मैं ये नापूंगी 4.25 पे। ये देखिएगा मैं कैसे नाप रही हूँ, और मैंने यहाँ पे सेंटर डार्ट के लिए पहला निशान लगा लिया, यहाँ से लेके यहाँ वाला सेंटर डार्ट के लिए निशान लगा लिया। अब इस सेंटर डार्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए थी, जितनी भी चेस्ट है डिवाइड करो 12 से, इस बार इसमें 1/2 इंच माइनस करना है। तो देखिए आपका जो भी चेस्ट मेजरमेंट होगा उस हिसाब से कर लीजिएगा, 34 को डिवाइड करेंगे 12 से और आएगा इतना, माइनस करेंगे 1/2 इंच यानी कि 0.5 इंच, तो आपका आएगा 2.33, तो इसका मतलब हम 2.25 तक ले सकते हैं, ये 2 होता है, ये 2.25 और 3 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ तक हम ले सकते हैं इस डार्ट की लेंथ। इस डार्ट की लंबाई ले लीजिए इतनी, यहाँ पर ये आपका अपेक्स पॉइंट भी आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा आपके हिसाब से, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.5 बन रहा है। जो भी मेजरमेंट आपका होगा ये अपेक्स पॉइंट आपका उस हिसाब से अपने आप आ जाएगा, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब इस पॉइंट से ये डार्ट कितनी चौड़ी होनी चाहिए ये भी हमने सीखा था। जितनी ये लंबी है, जैसे कि 2.3 आई है, इसको मैं ऐसे निशान लगा लेती हूँ, उतनी ही ये चौड़ी होती है। इसके लिए सही तरीका क्या है, ऐसे आप इसको, ये लंबाई थी यहाँ तक ली थी हमने, इसको बिल्कुल इंच टेप को आधा कर लीजिए। आधा करके ऐसे थोड़ा प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह आपको यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक इसकी चौड़ाई आ जाएगी यहाँ से, और ये आ गई यहाँ से। और अब ये डार्ट की बिल्कुल सही फिटिंग आएगी, कटोरी ब्लाउज़ की परफेक्ट फिटिंग आएगी, कभी गलत नहीं होगी और सभी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यही आएगी। ठीक है, तो ये हमारी आ गई। यहाँ से चौड़ाई कितनी चाहिए इस ब्लाउज़ की ये भी कर लीजिए। टोटल चौड़ाई के लिए जितना भी चेस्ट होता है ना, उसमें 5 इंच ऐड कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ये जब हम प्लीट लगाएंगे तो ये ऐसे श्रिंक हो जाएगा, इसलिए अभी हम 5 इंच ऐड कर लेते हैं। उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो देखिए 34 प्लस 5 आया आपका 39, उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 9.75। तो इसकी चौड़ाई ब्लाउज़ की 9.75 होनी चाहिए थी, तो यहाँ से मैंने 9.75 पे इस तरीके से निशान लगा दिया और इसको सीधा निशान लगा दिया ऐसे। तो अब आप इस आपका ये यहाँ पर हमने 1.5 इंच का या 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, 1.5 इंच का छोड़ रही हूँ अभी मैं, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे जो कि साइड टर्निंग में आ जाएगा इस तरह से। यहाँ से कटोरी के लिए कितना चाहिए वो देखिएगा हमें, ये वाली डार्ट का जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाला याद से देखिएगा, इस पॉइंट को मैं ऐसे सर्कल कर लेती हूँ कि इस हिसाब से मैं देख रही हूँ, ये है 2.5 इंच से थोड़ा 1 पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो निशान लगाना है, जितना भी ये वाला पॉइंट होगा इससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लगाना है, तो इधर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है यहाँ पर। ठीक है, कटोरी परफेक्ट बनाने के लिए जो ये वाला पॉइंट होगा, ये हमने बनाई थी डार्ट, ये होता सेंटर पॉइंट, हमें ये वाले पॉइंट से, ये जो डार्ट जहाँ तक जा रही है इस पॉइंट से हमने मेज़रमेंट करना है। ये था आपका कितना, 2.5 इंच। ये अगर 2.5 इंच था तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर ये 2.5 इंच था तो इससे हम यहाँ पर प्लस 1/2 इंच करेंगे, मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब गले की तरफ आइए, यहाँ पे मैंने राउंड क्यों लगवाया था अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको जितना है, ये 2.5 इंच है अगर, तो 2.5 से माइनस करेंगे यहाँ पर 1/2 इंच, इधर करेंगे माइनस 1/2 इंच। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये इतना है, इससे माइनस करेंगे 1/2 इंच तो ये आ जाएगा 2। यहाँ से देखिएगा कैसे निशान लगा रही हूँ, यहाँ कॉर्नर से लेकर इस तरीके से इसको राउंड में ले जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। ये मैंने पॉइंट लगा दिया, इस पॉइंट को इसके साथ कटोरी बनाएंगे। और ये कटोरी कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये न्यूज़पेपर पे आपको पहले कटिंग करनी है, फिर ही कपड़े पे कीजिएगा। इस तरीके से आप इसको सर्कुलर वे में इस कटोरी को ले जाइए यहाँ तक, तो ये आपकी कटोरी की कटिंग हो जाएगी और फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। तो ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है, फ्रंट पैनल की भी और बैक पैनल की भी। ये हम बाद में फ्रंट पैनल के लिए काट देंगे, पहले हम बैक पैनल की कटिंग करते हैं इस पूरे ड्राफ्ट को रख के। हम पहले बैक पैनल के लिए, पहले अगर आप लाइनिंग वाला बना रहे हैं तो अस्तर का कपड़ा और बैक पैनल का कपड़ा, दोनों का कपड़ा इस तरीके से रख के फोल्ड कर लीजिए, उसके ऊपर ये ड्राफ्ट रखिए और फिर हम कटिंग करेंगे। लेकिन याद रहे, यहाँ पर एक पॉइंट है कि हमने फ्रंट पैनल पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था जो कि हमारा इसके दबाव में जाएगा इसलिए, लेकिन हमें बैक पैनल में उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक पैनल पे ये बेल्ट अलग नहीं लगती, इसलिए 1 इंच कम लेंगे। जो भी हमने ये ड्राफ्टिंग की है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं 1 इंच यहाँ पर कम लूँगी इस तरह से, पीछे के पैनल में कम लेकर फिर उस हिसाब से यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग करके सेम और ऐसे कट कर देंगे। यहाँ पर आर्म होल कट कर देंगे और गला कट कर देंगे। तो गले की लंबाई 12 इंच चाहिए तो मैंने ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया और यहाँ से 12 इंच तक ले जाऊँगी इस तरह से। 12 इंच तक लेके जाने के बाद इसको ऐसे मार्किंग कर दी, और जो भी गले का डिज़ाइन चाहिए आप वो बना सकते हैं। बिल्कुल गोल चाहिए तो गोल बना दीजिए, अगर स्वीट हार्ट चाहिए तो यहाँ से सीधा तो आ ही रहा है, यहाँ से ऐसे सीधी लाइन लगा दीजिए तो स्वीट हार्ट बन जाएगा। 12 इंच तक इसको इस तरीके से
कटिंग कर रही हूँ गले के डिज़ाइन की। आर्म होल वगैरह बिल्कुल वैसे ही कट रहेगी। अब हम आते हैं फ्रंट पैनल के लिए। फ्रंट पैनल के लिए आपको कहाँ कहाँ कटिंग करनी है वो देख लीजिए। यहाँ से हमने गला 7 इंच ही रखा था। मुझे फ्रंट पैनल के गले का डिज़ाइन चाहिए इस तरीके का, स्वीट हार्ट, इसलिए मैंने इसको ऐसे लगा दिया और इसी पॉइंट को मैं आगे तक ले गई इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अगर आपको गोल चाहिए तो आपकी रेडी थी वो। स्वीट हार्ट गले के लिए मैंने इसको इस तरह से कट किया। इसको मैं सीधा कट करूँगी यहाँ से ऐसे। फ्रंट पैनल पे ये वाली शेप भी देते हैं तो अब हम ये वाली शेप भी दे देंगे यहाँ पर। और ये कटोरी को भी कट कर देंगे। कटोरी को कैसे कट कर रही हूँ ये देखिए, एग्जैक्टली ऐसे ही राउंड। और ये आएगा आपका बेल्ट वाला पार्ट, इसको भी ऐसे कट कर रहे हैं। आपकी ड्राफ्टिंग तैयार है। अब हम ये कपड़ों पे रख के कट कर देंगे। अब अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो अस्तर के ऊपर भी सेम ऐसे ही रख के कटिंग करेंगे और मेन कपड़े पे भी सेम ऐसे रख के कटिंग करेंगे। सबकी कटिंग हो गई है, आज मैं आपको इनकी स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये बैक पैनल लिया, पीछे का पैनल आप देख सकते हैं। ये पहले मैंने लाइनिंग पार्ट रखा, ये है अस्तर का कपड़ा। इसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसे ही सेम हमने ये मेन क्लॉथ रख दिया, मेन वाला कपड़ा जो मुझे ब्लाउज का चाहिए, बिल्कुल आराम से प्यार से रख दिया। और हम ऐसे ही सभी क्लॉथ्स को लाइनिंग क्लॉथ, अगर आप अस्तर लगा रहे हैं तो अस्तर के साथ मेन क्लॉथ को रख के ऐसे पिन से टक कर दीजिए ताकि जब हम स्टिच करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये पार्ट कहाँ आएगा। तो इस तरह से हर जगह हमने इनको पिन से टक कर देना है, स्पेशली ये आर्म होल की साइड पे। यहाँ पे भी हम स्पेशली ये आर्म होल की साइड से इनको मैच करके इस तरह से यहाँ पर इनको टक कर देंगे पिन से। सेम ऐसे ही आप फ्रंट पैनल को भी कर लोगे। ये अस्तर वाला कपड़ा जो है उसकी सही साइड मेरी तरफ है और जो मेन कपड़ा है, मेन वाला क्लॉथ, सही क्लॉथ, इसकी भी सही साइड मैं अपनी तरफ ही रखूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं सब जगह पिंस लगा दूँगी। और अगर आपको पिंस नहीं लगानी तो आप मेरी तरह ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से इनको रख के और इनके हर तरफ सुई धागा लेकर कच्चा कर लीजिए ऐसे। ये बेस्ट तरीका रहता है। जो भी बिगनर्स हैं, नए नए सिलाई सीख रहे हैं, तो उनको हमेशा अपना कपड़े अगर अस्तर वाला बनाना है, कोई भी बनाना है, पहले ऐसे कच्चा कर लेना चाहिए इस तरह से, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होती। इसको पूरे में राउंड कच्चा कर लेंगे सुई धागे की हेल्प से इस तरह से। थोड़ा दूर दूर पे भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ऐसे ही इनकी जो कटोरी पार्ट था इनको भी कच्चा कर लिया। ये वाला कटोरी पार्ट इसके साथ ऐसे अटैच होगा और ये हमने इस कलर का बनाया था तो मैंने लाइनिंग के साथ ये लगा दिया। इसको भी मैंने ऐसे ही कच्चा कर लिया। आप देख सकते हैं कि कैसे लग रहा है ये उसके बाद। और फिर हमने ये बेल्ट्स को भी इसी तरीके से अस्तर के साथ लगा के कच्चा कर लिया। इतना करने के बाद हम कटोरी पार्ट लेंगे जिसको इसके साथ ज्वाइन करना है ऐसे, और इसको इस तरीके से इस साइड पर टर्न कर लेंगे। देखिए इसको ऐसे ज्वाइन करना है, इन दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ रख के ऐसे इसको हमने टर्न कर लिया। और अब इस कॉर्नर से, ऊपर से इस कॉर्नर से लेकर हम इसको स्टिच करते रहेंगे ऐसे। चोली को इस कटोरी के साथ स्टिच करना है तो हम इसको इसको एग्जैक्टली ऐसे रख लेंगे, इसको कॉर्नर पे ले जाएंगे इस तरह से। और आधा इंच का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया था तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्टिच फाइनल किया, हमेशा कॉर्नर पे स्टिच फाइनल करते हैं। और आप देखिए इसको ऐसे ही राउंड में लेते जाते जाते हम स्टिच करेंगे इस तरीके से कॉर्नर को मिलाते हुए। ऐसे हमने इसको स्टिच कर लिया। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये कटोरी इसके साथ अटैच हो गई।
आप ये सारे जो हमने रफ स्टिच किए थे कच्चे, इसको हम बाद में उधेड़ सकते हैं लास्ट में। तो हमने लगा लिया, अब इसके सेंटर डार्ट कैसे लगाएंगे? ये जो पेपर था ये वाला, इसको हम सेंटर डार्ट की कटिंग कर देंगे इस पे। ये देखिए, ये हमने सेंटर डार्ट की कटिंग कर दी। कपड़े की गलत साइड पे हमने डार्ट को ड्रॉ कर दिया। इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाएंगे डार्ट के और फिर इसको स्टिच कर देंगे सेंटर डार्ट को। यहाँ पे स्टिच को फाइनल कर देंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरे वाले पैनल पे करेंगे। यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी स्टिच कर दिया है, इसकी गलत साइड नहीं लूँगी मैं इस तरह से, और इस पे इस चार्ट को रखूँगी जहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया था। अब इसके ऊपर हम सेंटर डार्ट की मार्किंग कर देंगे ऐसे। इसको हम पकड़ेंगे, इसके कपड़े की गलत साइड है ये, इस तरह से हम इसको भी स्टिच कर देंगे। हमारे कटोरी ब्लाउज की कटोरीज परफेक्टली रेडी हैं और ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अब इसके बाद हमने ये कटिंग करनी है जो लास्ट में एक्स्ट्रा आ रहा है, ये आता है जब हम ये प्लीट्स लगा देते हैं तो ये आता है। इस तरीके से इसको सही कर देंगे ऐसे ही। दूसरे साइड पे ये जो एक्स्ट्रा आया है इसको हल्का सा ऐसे करेक्ट कर देंगे, सही कर देंगे। के साथ बेल्ट लगानी है तो बेल्ट का देखिएगा, जो लंबा वाला हिस्सा है वो इस साइड पर आएगा कटोरी के साथ, ऐसे ही इस बेल्ट का भी लंबा वाला हिस्सा इस कटोरी के साथ आएगा। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बेल्ट कौन सी साइड आएगी। अब इसको सही रखा हमने, इनके दोनों सही साइड को एक दूसरे की तरफ रख देंगे ऐसे। अब सिलाई मशीन पर जाके इस बेल्ट को इसके साथ ज्वाइन करना है। इसको मैंने ऐसे पलटा, बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा ये कॉर्नर इसका बाहर आ सकता है, ऐसे आएगा। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम इसको सिल देंगे। पूरे जैसे कटोरी घूम रही है वैसे वैसे में आप इस बेल्ट को लगा दीजिए। ऐसे ही दूसरे साइड के बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल अब इक्वल आया है क्योंकि हमने जब सिला तो इसका कॉर्नर थोड़ा सा बाहर आता है। ये देखिए, ये बेल्ट वाले का कॉर्नर थोड़ा सा बाहर आएगा, तो अब जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट सीधा आएगा इसके साथ। इस तरीके से एक्स्ट्रा आएगा तो इसको ठीक है, इसको हम ऐसे कट कर देंगे। इस ब्लाउज के प्लेकेट बनाने के लिए आपको दो कपड़े चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और लंबाई में जितना भी ये लंबा होगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जैसे कि मैंने इसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ऐसे ही हम ये दूसरी वाली प्लेकेट लेंगे जो इस साइड पे लगेगी और ये सही साइड है कपड़े की, 3.5 इंच की चौड़ाई में और लंबाई में हमने फिर इससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जितनी भी इसकी ये वाली लंबाई है उससे रखेंगे। दोनों के सही साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड पर निकाल लेंगे, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे की तरफ निकाल लेंगे और हम बिल्कुल मशीन के एक पैर के जितना इसको ऐसे स्टिच करेंगे। मशीन के एक पैर के जितना मार्जिन छोड़ के स्टिच कर रहे हैं। इतना स्टिच करने के बाद इसको पीछे की साइड पर ले जाएंगे इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। हमने देख लिया कि इसको पीछे की साइड पे ऐसे रखना है।
इसको अब हम ऐसे ही क्रीज बाहर निकाल देंगे इसकी, प्रेस कर लेंगे, इसको पीछे की साइड पर ले जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे भी इसको प्रेस करके इसको आधा इंच तक अंदर की तरफ टर्न करके ऐसे प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है, सफाई ज़्यादा अच्छी आती है आपकी सिलाई में, और कोई गलती भी नहीं होती, इसलिए मैं हमेशा प्रेस करके दिखाती हूँ आपको। आप चाहे तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कटोरी दूसरे कलर की बनाई है इसलिए मैं सुई धागे से तुरपाई कर रही हूँ। तुरपाई कैसे करते हैं ये देख लीजिए, इसको इंग्लिश में हैम स्टिच बोलते हैं। ये नीचे वाले कपड़े में से निकाल के ऊपर वाले कपड़े में से निकालते हैं। अब हम ये वाला पैनल लेंगे, इसकी सही साइड और इन दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए इसको आधा इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए इस तरह से हम इसके साथ भी हम कॉर्नर पे एकदम स्टिच कर देंगे। मशीन के एक पैर के जितना मार्जिन छोड़ते हुए मैं पूरा स्टिच कर रही हूँ। निकालेंगे ऐसे, और यहाँ पे हमने प्लेकेट बनानी है। रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे, ध्यान से देखिए, मैंने स्टिच यहाँ पे किया है, इस पार्ट पे मैंने स्टिच किया है। यहाँ से मैंने आधा इंच अंदर की तरफ टर्न किया और इसके ऊपर लेकर आई, तो ये जो स्टिच पार्ट है थोड़ा अंदर की तरफ चला गया ऐसे। इसके ऊपर पिंस लगा देंगे, यहाँ से फिनिश हो गया। फ्रंट साइड से देखेंगे कि हर तरफ से ये प्लेकेट सेम आ रही है, अगर छोटी बड़ी है तो हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अगर हम अब स्टिच करेंगे तो देख सकते हैं आप, जो पीछे वाला है हमने थोड़ा इस साइड पे रखा है तो उसके ऊपर अपने आप स्टिच हो जाएगा। हम स्टिच कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ सेंटर में, ताकि कोई सिलाई दिखाई ना दे। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम उसको कट कर देंगे। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से एकदम सीधा कट कीजिए, एकदम सीधा कट किया है। ये वाला पार्ट को जैसे जा रहा है वैसे कट कर दिया, नीचे से हमने इसको कट कर दिया, यहाँ से भी हमने इसको कट कर दिया। अब ये वाली जो ब्रैकेट है इसके ऊपर जाएगी ऐसे, आप देख सकते हैं ये तैयार है। अब आपको बनाना है गला। पाइपिंग बनाने के लिए हम अरेब पट्टी काट लेंगे, जैसे ये सीधा कपड़ा होता है इसके ऐसे तिरछी पट्टियाँ काटते हैं, अरेब पट्टियाँ यानी कि बायस टेप्स काटते हैं। इसको ऐसे करें तो ये स्ट्रेच हो जाती है इसलिए, और ये जो अरेब पट्टी है बायस टेप है ये तिरछी कटती है, और ये होगी 2 इंच की चौड़ाई। हमने ये सब कट कर ली तो हमारे पास ये बहुत सारी आ गई है कि इस बायस टेप को बिल्कुल हाफ में फोल्ड करके प्रेस कर लीजिए। मैं आपको एक गले में लगाना सिखा रही हूँ, फिर दूसरे में आप अपने आप लगा सकते हैं ऐसे आधे में फोल्ड करके। इसको प्रेस कर लीजिए। अगर ये अरेब पट्टी छोटी पड़ जाती है तो इसके साथ दूसरी ऐसे अटैच करके और इसको ऐसे रख के इनको आपस में स्टिच कर लेते हैं तो ये लंबी हो जाती है। तो जितनी मर्जी आप ऐसे इसको लंबी कर सकते हैं गले के हिसाब से। जो इसका खुला हुआ साइड है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ये इसके कपड़े की सही साइड मेरी तरफ है,
इस बायस टेप को जहाँ से ये ऐसी है ट्रायंगल है इसको मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसको अंदर की तरफ टर्न करूँगी हाफ इंच आधा इंच, फिर ऐसे टर्न करूँगी। ये सबसे आसान तरीका है बायस टेप लगाने का। इसको इसके एकदम कॉर्नर पे रख लेंगे इस तरह से, बिल्कुल कॉर्नर पे रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के जैसे जैसे नेक की गोलाई जा रही है या टर्निंग पॉइंट आ रहा है वैसे वैसे हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये बिल्कुल बराबर रखेंगे, ना इस साइड पे ज़्यादा ना कम। जैसे गला अब यहाँ से तिरछा जा रहा है तो यहाँ पर हम इसको तिरछा ले जाएंगे। अब जहाँ पे भी कॉर्नर आता है वहाँ पे सुई को अंदर डाला और फिर इसको घुमाया कपड़े को और फिर हम स्टिच करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर कच्चा किया है तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है कि नीचे अस्तर वाला कपड़ा बीच में आ रहा है या नहीं। कभी भी पाइपिंग को खींच खींच के नहीं लगाते, नॉर्मली लगाते हैं। इसको पीछे की साइड पे टर्न कर देंगे इस तरह से और फिर देख सकते हैं पीछे से बिल्कुल फिनिशिंग आएगी क्योंकि नीचे से फोल्ड है। इसको चाहे तो थोड़ा अंदर की तरफ टर्न करके फिर इसको जितनी भी चौड़ी चाहिए या पतली चाहिए आप उतनी बायस टेप लगा सकते हो। यहाँ पर पाइपिंग बन जाएगी यहाँ पे। अब इसके बिल्कुल बीच में जो स्टिच है उसके ऊपर ऊपर सिलाई करेंगे। फिर से जैसे जैसे कपड़ा जा रहा है वैसे वैसे इसको सिल देंगे। कॉर्नर पे सुई को अंदर डाला, इसको घुमाया और स्टिच कर देंगे। परफेक्ट पाइपिंग लग जाएगी आपकी। पाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट लगी है। सेम ऐसे ही आप दूसरी वाली पाइपिंग भी लगा लीजिए। ये जो बैक का पीस है यहाँ पर हम डार्ट्स लगाएंगे और ये है गलत साइड जहाँ पे ये अस्तर है। अगर आपका बिना अस्तर का है तो आप सिंपल गलत साइड पे ऐसे डार्ट्स लगा लेंगे। और अगर आप नेकलाइन लंबा बना रहे हैं, डीप बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया है 12 इंच का, तो आप यहाँ पर डार्ट्स छोटी लगाएंगे, सिर्फ 4 इंच की लगाएंगे इस तरह से, नीचे से 4 इंच की। और इसमें बॉटम टर्निंग भी इंक्लूडेड है। हमने पहले बीच में एकदम सेंटर पॉइंट नाप लिया, वहाँ से जहाँ पे भी सेंटर प्लीट लगाई थी आगे वाले फ्रंट पैनल पे, वैसे ही हम यहाँ पर सेंटर प्लीट का नाप दे देंगे। जैसे आगे वाले पैनल में फ्रंट पैनल में हमने लगाई थी सेंटर वाली प्लीट, बैक में भी वहीं पर सेम सेंटर प्लीट लगाएंगे। 4 इंच लंबा मैंने रख लिया, इसको ऐसे हमने डार्ट्स दे दी बैक पैनल में, एग्जैक्टली वैसे जैसे सेंटर प्लीट पे हमने डार्ट्स दी थी। अगर आप ये बना रहे हैं छोटा नेक डिज़ाइन तो आप इसकी लेंथ उस हिसाब से रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमने चोली की सेंटर प्लीट लगाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसकी डार्ट होगी 5.5 इंच लंबी। इस तरह से आप चेक करेंगे कि आपकी डार्ट कितनी लंबी चाहिए बैक पैनल पे। अगर छोटा गला है तो, अगर डीप गला है तो यहाँ पर कम होगी डार्ट। बीच में से ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, ऐसे इसके अंदर डालेंगे। और अब पक्का कर लेंगे। ऐसे ही हमने दोनों डार्ट्स लगा ली बैक पैनल की। फ्रंट पैनल को मैंने चोली के साथ चोली मिलाकर पिनअप कर दिया है। पिन करते वक्त ये ध्यान रखेंगे हम कि ये जो बेल्ट का कॉर्नर है इस दूसरे बेल्ट के कॉर्नर के साथ मैच करना चाहिए। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये एकदम सही है,
इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे नहीं होना चाहिए, ये दोनों बेल्ट के कॉर्नर्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। और फिर यहाँ पर दो पिंस लगा दीजिए, इन दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे, बैक पैनल की और मेन पैनल की सही साइड एक दूसरे की तरफ रख के इसका शोल्डर को स्टिच करेंगे। स्विंग मशीन पर जाके इसके शोल्डर को ऐसे स्टिच कर दीजिए अच्छे से, और यहाँ पर भी इसके शोल्डर्स को, इन दोनों के शोल्डर्स को आपस में स्टिच कर दीजिए। एक टिप है यहाँ पर, अगर ये आपका ये यहाँ से खींच कर चेक कर लीजिए चोली वाले पार्ट से, अगर मैंने ऐसे खींचा है तो ये ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा, क्योंकि ये अरेब बनाया होता है और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो ऐसे खींचने पर स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, तो इसलिए अगर वो स्ट्रेच हो रहे हैं तो आपको एक चेंज करना है। ये जो फ्रंट पैनल होगा चोली वाला, इसको बैक पैनल से आधा इंच ऊपर रखना है इस तरह से, और फिर स्टिच कीजिए ऐसे आधा इंच ऊपर रख के। ये जैसे बैक पैनल है पीछे का पैनल, इससे फ्रंट पैनल आधा इंच ऊपर रख के फिर इसमें हम ये स्टिच देंगे, अगर आपका कपड़ा स्ट्रेचेबल है तो। मेरा कपड़ा आप देख सकते हैं, मैंने अगर स्ट्रेच किया है तो स्ट्रेचेबल नहीं है, इसलिए मुझे ये चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल इसको आपस में स्टिच कर दूंगी ऐसे ही, इन दोनों के तीरे को आपस में मिला के। अगर आपका स्ट्रेचेबल है तो आप ये फ्रंट पैनल को ऊपर कीजिए इस तीरे से, और फिर आपस में स्टिच कर दीजिए आधा इंच ऊपर करके, इससे कटोरी अगर जब हम पहनेंगे स्ट्रेच होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ये शोल्डर्स को स्टिच कर दिया है, अब इसको फिनिशिंग देने के लिए कि ये यहीं पर रहे, आगे आगे ना आए, इसके लिए आप एक पैनल अगर मोटा लग रहा है तो पीछे वाला एक पैनल, ये बैक साइड का पैनल है, वहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा को कट कर दीजिए, तो ऐसे मोटा मोटा नहीं लगेगा। और अब इसको अंदर की तरफ डालते हुए इसको थोड़ा ऐसे अंदर ट्रायंगुलर की, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में अंदर की तरफ रखते हुए इस पर एक स्टिच लगा दीजिए, नहीं तो सुई धागे से इसके ऊपर यहाँ पर तुरपाई कर दीजिए, तो ये यहीं पर अटका रहेगा, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट टाइम से। मैं ऐसे यहाँ पर स्टिच लगा देती हूँ, तो ये शोल्डर यहाँ पे फाइनल हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर परफेक्ट फिनिशिंग आ गई है, और ये यहाँ पे ट्रायंगल करके हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया दो बार। स्लीव्स लगाने के लिए हमने देख लिया कि इसका फ्रंट पैनल ये वाला है जहाँ हमने ये चोली बनाई है, और ये स्लीव्स का फ्रंट पैनल ये वाला है, यहाँ पर हमने स्लीव्स की शेप दी है ये वाला, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, तो इसको हम सही साइड पर ले आएंगे और इन दोनों की सही साइड एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, ये दोनों इनकी सही साइड है इस तरह से। और सबसे पहले हम स्लीव्स का सेंटर पॉइंट नाप लेंगे, ऐसे स्लीव्स को फोल्ड करके यहाँ से देख लेंगे कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ आ रहा है इस तरह से। इसको ये जो शोल्डर का पार्ट है जहाँ पे ये शोल्डर स्टिच्ड है यहाँ रखेंगे ऐसे। स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल वैसे ही की है जैसे मैंने आपको सिखाई है, सूट में और ब्लाउज़ में स्लीव्स की कटिंग एग्जैक्टली सेम होती है, इस तरह से शोल्डर वाला स्टिच पार्ट और ये सेंटर पॉइंट स्लीव का एक दूसरे के साथ मैच करके हम यहाँ पर पिन लगा देंगे। इसको यहाँ साइड पर ले आएंगे और जहाँ से भी ये स्लीव स्टार्ट हो रही है वहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं स्लीव्स को इसके साथ स्टिच कर रही हूँ। ऐसे ही दूसरी स्लीव्स भी लगाएंगे। अगर हम यहाँ से फिटिंग सही नहीं देंगे, यहाँ से मेन है, यहाँ से जो बस्ट वाली शेप है वो सही नहीं देंगे ये वाली, तो हमारा यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है चेस्ट मेजरमेंट से, यहाँ से या तो ऐसे यहाँ से झोल आता है लोगों के यहाँ पे कंधे की साइड पे, ये आर्म होल की साइड पे यहाँ पे इस तरीके से झोल आता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इस वजह से फिर यहाँ पे झोल आएगा तो ये भी ऐसे गिरेंगे नीचे को, ठीक है। और आपका सबसे पहले समझ में आ गया, आर्म होल अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, बिल्कुल सही लीजिए जितना लेना चाहिए। उसके बाद ये शेप कैसे देते हैं ये मैं सिखाती हूँ। सेंटर से पिन लगा देनी है, इसके बिना आप मेजरमेंट मत कीजिए। तो ये हमारा है सेंटर पॉइंट, हमें पता चल गया, यहाँ पे प्लेकेट बनाई है, यहाँ से इस साइड पे जितना भी आपका आता है चेस्ट को डिवाइड करेंगे चार से, तो यहाँ पे ब्लाउज जो होते हैं वो बिल्कुल फिटिंग के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 34 का बना रही हूँ 8.5 इंच, तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक मैंने 8.5 पे पहले निशान लगा लिया, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ।
और फिर हमने इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पर भी 8.5 पे निशान लगा लिया ऐसे। ये एक निशान लगाया है, थोड़ा लंबा लगा लिया। अब इस इधर ऊपर से लेकर 2 इंच पे, जैसे हमने सीखा था सूट के केस में भी ऊपर से 2.5 इंच पे करते थे, ब्लाउज में ऊपर से 2 इंच पे मैंने ऐसे निशान लगाया। तो ये लाइन असलियत में यहाँ पे आपकी चेस्ट जो है वो असलियत में यहाँ पे आती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपने डार्ट कंटिन्यू करी है, ये वाला अपेक्स पॉइंट जो होता है यहाँ पे आती है चेस्ट। तो इस थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपको मेन शेप देनी है इस जगह पे, ना कि इस जगह पे। इसलिए यहाँ पे कैसे शेप देते हैं, ऊपर अपने निशान लगा लिए इतना आया था, इसको थोड़ा 1/2 इंच अंदर कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आपके इन रियलिटी नहीं आती चेस्ट। इसको यहाँ से इस पॉइंट तक इस तरह से मार्क कर लेंगे ऐसे कर्व शेप में। तो आपको ऐसे मार्किंग करनी है, यहाँ से थोड़ा अंदर लेंगे और इधर से ऐसे शेप करेंगे तो आपकी फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। और उसके बाद यहाँ पे भी है, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे अंदर को लिया 1/2 इंच और ऐसे मार्किंग कर दी इस तरह से, और इसको नीचे लेकर जाएंगे। नीचे लेकर जाने के लिए ऊपर से लेंथ नाप लीजिए कितनी चाहिए, जैसे 14 इंच चाहिए तो 14 इंच पे हमने बॉटम पे निशान लगा दिया ऐसे। ये 14 इंच पे निशान लगाया है। अब कमर कितनी है, उसका चौथा भाग वेस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से, जैसे कि 28 इंच है कमर, तो 7 इंच पे यहाँ से निशान लगा दिया, देखिएगा 7 इंच पे यहाँ से। और फिर सेंटर पॉइंट ये है हमारा, इधर से भी 7 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। इसको यहाँ पे हम ऐसे मिलाएंगे, ये हुई आपकी परफेक्ट शेप, इसको भी ऐसे मिलाएंगे। और नीचे इसके बाद, ये आपको पता है बॉटम टर्निंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन है नीचे वाला, यहाँ पर सीधा लेकर आइए, यहाँ पर थोड़ा बाहर की तरफ लेकर आइए इसको ऐसे, यहाँ पे भी थोड़ा बाहर की तरफ लेकर आइए ऐसे। तो ये आपकी आएगी परफेक्ट शेप। यहाँ से शेप को सही कर लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि परफेक्ट शेप कहाँ ज़रूरी है, यहाँ पे, ये अपेक्स पॉइंट पे, जहाँ पे आपका चेस्ट का असली मेजरमेंट है। आप क्या करते हो यहाँ से लेकर, हम असलियत में करते क्या है, हमने यहाँ पे निशान लगाया, यहाँ से इसको ऐसे सीधा ले आए। अब देखिएगा ध्यान से कि क्या हुआ, यहाँ पे अगर सीधा ले आए तो चेस्ट तो इन रियलिटी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से क्या होगा, फिर ये दबेंगे, तो इस वजह से यहाँ से आपका सही शेप नहीं आएगी ब्लाउज़ की। इसको आपको सही शेप देनी है एज़ पर योर मेज़रमेंट। अब इसको यहाँ पे बाजू भी नापनी है, अगर आपका बाजू वाला है तो बाजू का जो मुरी है, जैसे कि 5.5 चाहिए, इसको इस पॉइंट के साथ कंटिन्यू करना है। इसको ऐसे खोलेंगे बाजू को पार्ट को और ऐसे कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पे। तो आपको सिलाई इस ऐसे करके नीचे तक लेकर आनी है। यहाँ पर भी इस बाजू को ऐसे खोलेंगे इस तरह से, आपने बाजू की मोरी जितनी चाहिए उतनी नापा और इसको इसके साथ ज्वाइन किया। अब सिलाई करेंगे यहाँ से लेकर, यहाँ से ऐसे कर्व में घूमते हुए नीचे आएंगे पूरा लास्ट तक। नीचे देखिएगा, इसके बाद मैं थोड़ा तिरछा गई क्योंकि इससे ये कपड़ा ऊपर जाएगा टर्न होके, तो इजी हो जाएगा टर्निंग करना। बॉटम टर्निंग लास्ट में करते हैं, वो इजी हो जाएगा। देखिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ, ऐसे शेप में लेकर आऊँगी इसको। इस पॉइंट तक, इसके बाद हम थोड़ा टेढ़ा जाएंगे क्योंकि इसको फोल्ड करने में फिर आसानी हो जाएगी बाद में। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। हम एक साइड से बॉटम टर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, इसको ऐसे टर्न करेंगे एक बार 1/2 इंच, फिर से 1/2 इंच, मतलब जिधर तक आपको टर्न करना है, निशान लगाया हुआ है वहाँ तक ऐसे टर्न करके इस तरह से हम एक कॉर्नर से स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ से ये ओपन है। और
साइड की बॉटम टर्निंग करते रहेंगे और लास्ट तक दूसरे एंड तक आ जाएंगे। ऐसे ही पीछे के पैनल पे भी दो बार ही टर्न करके इस तरह से राउंड करके दूसरे पैनल तक आ गए हैं। ये एक पैनल है फ्रंट का, यहाँ पे हमने पिन लगाई हुई थी तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके एग्जैक्टली ऊपर इक्वल आना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, अदरवाइज़ ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसके एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए इस तरह से बॉटम। इसको ऐसे मैच कर लेंगे इक्वल के लिए और फिर इक्वल के लिए ऐसे मैच कर लेंगे और फिर हम इसकी बॉटम टर्निंग लास्ट में करेंगे। अब आपका कटोरी ब्लाउज बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। इस पे मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगाई थी आपको दिखाने के लिए, बिल्कुल सिंपल वाली, और इसके बाजू में मैंने इनविजिबल पाइपिंग लगाई जो आगे से देखें तब भी ऐसी लगती है और पीछे से देखें तब भी ऐसी लगती है। अब इसका सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बचा है, यहाँ पर आपको लगानी है हुक्स और यहाँ पर लगानी है आई, और आई आप लगाएंगे ऊपर से हर एक इंच पर या डेढ़ इंच पर जितनी दूरी पर आप चाहते हैं इस तरह से। ऊपर भी एक लगेगी ऐसे, आई इसकी यहाँ पर लग जाएगी। आप पुराने ब्लाउज से चेक कर लीजिए अपने इस तरह से, और इसको आप यहाँ पर निशान लगाने के बाद इस पर ऐसे प्रेस करेंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले इस साइड पे भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हो गए हैं। इनको हम फिर डार्क कर लेंगे कि आपकी जो आईज़ हैं इस साइड पर लगेंगी। पुराने ब्लाउज से चेक कर लीजिए कि कैसे लगाई हैं आईज़। यहाँ पे लगेगी हुक और यहाँ पे बनेंगी आईज़, या फिर आप रेडीमेड आईज़ भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका ब्लाउज़ रेडी है, आप बना के देखिए, परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज़। यहाँ से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करनी चाहिए, एक बार पहन के देखिए। फिटिंग में थोड़ा सा टाइट करना हो या लूज़ करना हो तो फिर वो बाद में आप लास्ट में यहाँ पर कर सकते हैं। niaimagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया तो। आप मेरे वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप फेसबुक एक्सेट्रा पे, कोई प्रॉब्लम हम पूछ सकते हैं। थैंक यू। निया इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोस यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, सभी वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है।